अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आज माह रमज़ान की लास्ट सहरी है, तो आज हम लोग रात भर सोए नहीं। एक्साइटमेंट लेवल देखिए मुंह में, और क्या बोलूँ, माह रमज़ान भी आज ख़त्म हो जाएगा, आज की चांद रात हो जाएगी। तो बस थोड़ा दुख भी है, खुशी भी है ईद की, और क्या बोलूँगा क्योंकि आज रात भर सोई नहीं हूँ। तो बहुत सारी प्रिपरेशन की हम लोग ने, मैंने वीडियो तो नहीं बनाए, अम्मी जान ने ड्राई फ्रूट्स कट किए, ईद की ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो गई, कहीं कहीं हम लोग ने घर की साफ़ सफाई भी करी, आज मैंने वीडियो नहीं बनाई। और आज खास बात यह कि आज मेरे शोहर जी के वहाँ पर ईद है, तो जो मेरे बाहर के लोग हैं उनको ईद मुबारक। आई नो कि ये वीडियो चांद रात तक आएगा, यानी आज के दिन की शाम तक आ जाएगा, तो फिर भी मेरा काम है विश करना और बहुत सारी दुआएं आप लोगों की, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए मेहंदी का कलर, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, ज़रूर बना, बहुत प्यारा है ना, दोनों हाथ में इतना प्यारा है कलर, देखिए तो अल्लाह में नज़रें बद से बचाए। और इसी के साथ है ना, आज की एक इम्पॉर्टेंट बात, आज की सहरी की स्टार्टिंग में कैसे करें मालूम, आज है ना माह रमज़ान ये लास्ट सहरी, पता नहीं ये मौका फिर हमें कब मिलेगा, अगले साल का हमें वेट करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए ना, और देखिए नॉर्मल डेज में भी रोज़े आते तो हम लोग बाहर नहीं जाते क्योंकि माह रमज़ान की बात ही अलग होती है। तो मैं है ना आज है ना अपने तरफ से अम्मी जान मिकाइल और तमीम को सहरी करवाने वाली हूँ। यस, तो मेरी तरफ से आज सहरी, आज किसी की हेल्प नहीं है, शोहर जी का पैसा नहीं है, अम्मी जान का भी नहीं है, मैंने खुद कमाई हुई पैसा है वो, तो बस आज मेरी तरफ से इन लोगों को सहरी है। तो बहुत मज़ा आएगी इन लोगों को क्या खाने का, आज नो लिमिट्स इन लोगों को जो चाहिए, इन लोगों ने बोल दिए, तो अभी मैं जाऊँगी। मैं आज हिम्मत करके बाहर का भी शूट करूँगी, दुआ करना कि कोई कुत्ता मेरे पीछे ना आए। मुझे पता है मेरा रब मेरी नियत देखता है और हमेशा मेरी हेल्प करता है, और वैसे भी आज माह रमज़ान की लास्ट सहरी है। अल्लाह ताला दुआएं करेंगे बहुत सारी, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हम सबकी बख्शीश करे, हमको नेक रास्ते पे चलने की तौफीक दे, रमज़ान के बाद भी हमें ऐसी इबादत करने की तौफीक दे अल्लाह ताला, और आप लोग ऐसे मुझे प्यार भी दिखाते रहिए, उसके लिए भी आमीन बोलो। तो चलिए, आप लोग की ईद की तैयारी हुई है क्या नहीं, और आपने अभी तक ईद की शॉपिंग का व्लॉग देखे है क्या नहीं, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। तो चलिए भी मैं जहाँ जाने वाली चलती हूँ आपको लेकर। अभी 3:08 हो रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं, अम्मी है, मिकाइल है, यहाँ तमीम है, हम लोग सब लोग जा रहे हैं। आज रमज़ान की लास्ट सहरी है, तो चलिए फटाफट से मैं भी नीचे उतर रही हूँ, चलते हैं। तमीम जा रहे हैं बाइक निकालने, वो मुझे निकाल के दे देगा बाइक, तो बस पूरा सन्नाटा है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो उतर गई हूँ नीचे, तमीम है उधर, सब उसको सब आता है। अभी फ्रेंड्स तमीम उतार रहे हैं बाइक, लग जाएगा। So guys, आज का जा रहे हम लोग सहरी लाने। ये मेकर चालू कर उसको जल्दी, चालू है ना, चालू है ना मम्मी। तो अभी जो आप लोग क्लिपसिंग देख रहे हैं, ये मेरी अम्मी जान ने शूट किए, उनको नहीं आता है स्मार्टफोन इतना चलाने के लिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने देखिए कितना परफेक्टली एक एक चीज़ को शूट किए मेरे बिना बोले। मुझे तो लगा वो वीडियो ख़राब कर देंगे, बट उन्होंने बहुत अच्छा शूट किया, मुझे पता ही नहीं था मेरी अम्मी जान इतना अच्छा शूट करेंगे। और रौनक देखो माह रमज़ान की कितनी सजावट है, कितने लोग इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा ही रहता है यार, माह रमज़ान इसके लिए ही है, इबादत करो, अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, गुनाहों से बचो।
पहुंच गए शहरी के लोकेशन पे, बट एक स्कैम हो गया है। इनको मैंने मना करी, अम्मी इतनी जल्दी मत चलो, पर इनको खाई रहती है। बंदा आया ही नहीं अभी तक, देखो उसकी जगह खाली, कुत्ते घूम रहे। अभी हम लोग वेट कर रहे कि वो आएगा तो हम लोग फिर हमारी शहरी। आज शहरी का इंतज़ाम क्या है मालूम, इन लोग को इडली वड़ा खाना है। कीमा हम लोग ने लिए ना तो पसंद नहीं आया, तो इडली खाएंगे, है ना मिकाइल? देखो मिकाइल है मेरे साथ। तो देखिए मैं इतनी रात को भी व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। रोड में एडवेंचर कर रहे हम लोग, ये देखो बाइक को वहाँ लगा के हम लोग है ना चल के जा रहे अभी ऐसी। हम लोग यहाँ पे रौनक देखो कितनी प्यारी सजावट हुई ना, तो वो थोड़ा शूट करके आ रही। कुत्ते ना मुझे डर लगता है इसके लिए। फ्रेंड्स देखिए क्या मस्त सजाया है इधर बिल्डिंग के पास। तो फाइनली इटली वाले अन्ना आ चुके हैं। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद मिनिमम आधा से पौना घंटा अम्मी जान ने आज रोड में सैर करा दी है। बट मज़ा है यार, ये ट्रिप यादगार रहेगी। ट्रिप क्या, ये लास्ट माह रमज़ान की सैरी यादगार रहेगी, क्योंकि अंकल आए 4 बजे और पहले नंबर पे हम लोग का ही ऑर्डर था। फटाफट से हमने डोसा वड़ा इडली सबको ऑर्डर दे दिए, और फटाफट से रेडी कर रहे थे, अपना पैन गर्म कर रहे थे और बना बना के गर्मा गर्म देते हम लोग खड़े थे। इतनी भीड़ हो गई थी कि क्या बोलूँ। फिर हम फौरन घर पर आए और देखे क्या क्या लेकर आई, वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ पर सारे लोग बैठ के मज़े से अपने अपने आइटम्स खा रहे थे, क्योंकि आज की सैरी हमारी तरफ से थी, तो सब इंजॉय कर रहे थे। अम्मी जान देखे मस्त आराम आराम से तोड़ के गर्म था, तो वो खा रही थी। मुझे पूछ रही थी मैं कुछ बोलूँ क्या, तो मैं बोली नहीं अभी कुछ मत बोलो, आप खा लो, क्योंकि ऑलरेडी सैरी का वक्त हो गया। मैंने मेरे लिए डोसा लाई हो, हम लोग इतने बड़े वाले, हम लोग सब लोग मज़े से खा रहे। फिर फजर पड़ के ना मैंने कुछ भी शूट नहीं की, उसके बाद मेरा काम चालू हो गया। तो यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी ईद की वाइब्स आने के लिए। तो आप ट्रांजिशन देखते जाइए क्या क्या मैंने आज काम करी, आपको पता चल जाएगा। और कुछ अलग चेंजेस भी हुए, वो भी देख लेना। फ्रेंड्स आज है ना अफ्तारी में, मम्मा क्या है आज अफ्तारी में? आज कुछ नहीं बनाया हमने, सिर्फ कलिंगर खा रहे और मेंदू वड़ा। मम्मा तो क्यों नहीं बनाया वो बोलो, अपन काम नहीं कर रहे थे आज, काम था ना हम लोग नहीं, घर की साफ सफाई। और फिर अपन ने ट्रेन के यहाँ से इफ्तारी आई, यस बाबू खाला ने भेजे हम लोग को इतनी सारी अफ्तारी। और ये हम लोग के यहाँ का कलिंगर है, कल बनाए थे मसूर पुलाव वो खाएंगे। हाँ, और लस्सी है और टैंक शरबत है। तो आज यही है लास्ट अफ्तारी है ना मम्मा? दिख रहा है ये भी है, ये अभी मैं पक्का लाया। तो अफ्तारी खोलने के बाद हम पहुंच गए चांद देखने। तो चांद रात मुबारक हो आप सभी को। तो सुबह कल ईद है, और यहाँ पर मैं फिर हमारे खाला की नवासी को यहाँ पर मैं मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई थी। बच्ची आई थी तो ऐसे मैं फ्री बैठी थी, तो अम्मी जान ने बोले
फटाफट से मेहंदी लगा दो। तो यहाँ पर देखिए ईद वाइब्स फुल ऑन चालू हो गई है। और कैसी लगी ईद की मेहंदी कमेंट कर कर बताना। आई होप अच्छी लगी होगी, उसका तो बहुत पसंद आई, आप लोगों को पसंद है, आप लोगों ने मेहंदी लगाया नहीं मुझे वो भी कमेंट कर कर बताना। आप सबकी हो गई ईद की तैयारी, हमारी तो हो गई है। तो चलिए इसके बाद मेहंदी वेंदी लगाने के बाद शोहर जी की तरफ से, आज शोहर जी के वहाँ ईद थी तो अम्मी जान के फरमाइश पे आज शोहर जी ने पार्टी दिए थे हमको। आज चाइनीज़ पार्टी हो रही थी तो हम लोग हमारा रात का डिनर खा रहे थे। तो चलिए इस ब्लॉग को अब लगाती हूँ यहीं पर फुल स्टॉप, आगे कुछ था ही नहीं शूट करने। तो कैसा लगा आपको आज माह रमज़ान के लास्ट दिन का ब्लॉग और चांद रात का ब्लॉग मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना। वेट करिए ईद के ब्लॉग को। तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखना, दुआ में याद रखना।